हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाता है कि संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2021 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बची हुई रिक्त सीटों पर प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत पैनल दिनांक 6 जून 2022 से 12 जून 2022 तक खोला जा रहा है। द्वितीय आवंटन प्रक्रिया एवं स्थानांतरण हेतु अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला या जिन्हें मिल चुका है और वो अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो आसानी से अपना चॉइस लॉक कर सकते हैं। कैसे किया जाता है उस पर विस्तृत वीडियो आ चुका है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और जहाँ पर आप कमेंट्स करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देख कर आप आसानी से यहाँ पर अपना कॉलेज लॉक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।